गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द लीफ। पेज 69 पर है ये। आज हम लीफ के फीचर्स और मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये देखो कि लीफ होता क्या है। लीफ की फीचर्स इन्होंने पहली लाइन में बताई कि ये लेटरल स्ट्रक्चर है और साथ में जनरली फ्लैट है। लेटरल का मतलब स्टेम पे साइडवेज प्रेजेंट होता है। अगर स्टेम का इस तरह से स्ट्रक्चर है तो उस पर लीव इस तरह से प्रेजेंट होती, यानी कि लेटरल। और दूसरा इन्होंने कहा कि इट इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड का मतलब उसमें एक डॉर्सल पार्ट है और एक वेंट्रल पार्ट है। और ऐसा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होने का कारण यह है कि इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप कर सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद ये है कि ये डेवलप कहाँ होता है, नोड में। जैसे स्टेम का ये वाला पार्ट जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं इसको कहते हैं नोड। और साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक्सिलरी बड। ये वो एक्सिलरी बड होती है जो इस लीव या ब्रांच के डैमेज होने पर आगे की वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी। एक्सिलरी बड डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक शूट एपिकल और एक रूट एपिकल। शूट एपिकल शूट बनाते हैं, रूट एपिकल रूट बनाते हैं। और ये एक तरह के क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये चीज़ें हम नाइन्थ में पढ़ के आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद दिया है अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, अब देखो ये एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लीव्स का क्या प्राइमरी फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करना इनका मेन फंक्शन है। इसके बाद टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट। अब लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पीटियोल और लेमिना। अगर लीफ का डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे, ये वाला पार्ट तो फ्लैट वाला पार्ट है, ये कहलाता है लेमिना। ये वाला पार्ट कहलाता है पीटियोल और ये कहलाता है लीफ बेस। लीफ बेस का मतलब स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीफ जुड़ी हुई है। पीटियोल यानी कि स्ट्रक्चर जो लीफ को कनेक्ट करता है स्टेम से। और लीफ का एक फ्लैट वाला पार्ट को हम कहते हैं लेमिना, लीफ लेमिना। इसके बाद There's two small leaf-like structures called stipules. Stipules वो स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हो। कई बार स्टिप्यूल प्रेजेंट हो भी सकता है लीफ में और कई बार ये एब्सेंट भी हो सकता है। जिस लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं स्टिप्यूलेटेड, और जिसमें नहीं होता उसको कहते हैं एक्स स्टिपुलेटेड। अब मोनोकॉट लीफ में लीफ बेस जो होता है शीथ बनाता है, किसके ऊपर, लीफ के ऊपर। कैसे शीथ बनाएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक एक कवर जैसा बना के रखेगा जिसे कहेंगे शीथ। यानी कि इसने क्या किया, इस पूरे स्टेम के पार्ट को और इस लीफ के इतने वाले पार्ट को जिसे पीटीओल कहते हैं उसको एक कवरिंग से ढक रखा है, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ शीथ। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस जो होता है वो स्वॉलन हो जाता है, तब उसे कहते हैं पलंगिनस। यानी कि ये जो लीफ बेस है ये कैसा हो जाएगा, स्वॉलन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा लेग्यूमिनस प्लांट्स में कि लीफ बेस स्वॉलन हो जाएगा, उसे कहते हैं पलंगिनस। पलंगिनस
पीटीओल हेल्प्स टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। पीटीओल का फंक्शन क्या है कि लीफ को ऐसे होल्ड करके रखेगा कि वो मैक्सिमम लाइट को ट्रैप करके रखेगा। लॉन्ग थिन पीटीओल्स हेल्प लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। तो अगर ये पीटीओल लीफ को होल्ड करके ना रखे तो लीफ हवा के साथ मूव ना कर पाए, है ना। और लीव्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस। तो इस लॉस के थ्रू एयर में क्या जाती है, ठंडक जाती है। तो ये भी इनका एक फंक्शन है। इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स, द लेमिना ऑफ द लीफ ब्लेड। ये लेमिना और लीफ ब्लेड में क्या प्रेजेंट होती है, सबसे बीच में जो सबसे बड़ी वेन प्रेजेंट होती है इसको कहते हैं मिडरिब। इससे जो साइडवेज अराइज होती है इनको कहते हैं वेन्स। और फर्दर फिर वेन्स जब डिवाइड होती है तब उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं वेनलेट्स। इसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है वेन्स का, कि लीफ ब्लेड को ये रिजिडिटी देती है। रिजिडिटी यानी कि उसको टाइट बनाती है, वो ढीला ढाला ना बना रहे, वो एक्सपेंडेड और टाइट बना रहे। इसके बाद एग क्या क्या करती है, ये वाटर मिनरल्स और फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती है। वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट फूड वाटर एंड मिनरल्स। ये है वेन्स का फंक्शन। शेप मार्जिन एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंटली। अब ये जो चीज़ें हैं इनका मतलब क्या होता है, जैसे लीफ की शेप तो हम समझ गए कि किस कैसी शेप है या कैसा आकार है लीफ का। इसके बाद बात आते हैं मार्जिन की, एपेक्स की। एपेक्स कहते हैं ये लीफ की जो टिप होती है इसे एपेक्स कहा जाता है। इसके बाद सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, ये वाला जो लीफ का एज वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मार्जिन। जैसे अगर हम लीफ पाइप का डायग्राम बनाते देखते हैं, सपोज ये लीफ है तो इस लीफ का ये वाला जो पार्ट है जो एजेस पर प्रेजेंट है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं मार्जिन। जैसे इसको टिप कहते हैं और बीच वाले पार्ट को लेमिना कहते हैं, उसी तरह से इसको क्या कहते हैं, इसको मार्जिन कहते हैं। और ये जो मार्जिन वाला पार्ट होता है लीव के केस में एंटायर भी हो सकता है और इंसिजन भी इसमें हो सकते हैं। एंटायर उसे कहते हैं जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि उसमें कट्स नहीं बने होते। अगर उसमें इस तरह के कट्स बने होते हैं तो इन कट्स को नाम देते हैं इंसिजन। तो ये थे अलग अलग फीचर्स लीव्स के। अब लीव्स के स्ट्रक्चर देखो किस तरह के दिए हैं, 5.7 ए और बी। यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि वेनेशन किस तरह का हो सकता है। वेनेशन का मतलब होता है वेन्स का अरेंजमेंट, और वेन्स का अरेंजमेंट दो तरह का हो सकता है, या तो पैरेलल अरेंजमेंट होता है या फिर वो रेटिकुलेट यानी कि एक जाल की तरह का अरेंजमेंट होता है। रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वेनेशन। वेनेशन का मतलब है वेन्स का अरेंजमेंट। अब वेन्स का अरेंजमेंट या तो पैरेलल हो सकता है कि लीफ के अंदर इस तरह से प्रेजेंट हो मोनोपोड्स के केस में देखने में आता है, या फिर वो इस तरह से हो सकता है कि लीफ में एक मिडरिब हो और उसके वेन्स इस तरह से अराइज हो रही हो, वेन्स एंड वेनलेट्स। तो ये दो तरह का अरेंजमेंट है, रेटिकुलेट और पैरेलल। अब रेटिकुलेट पाया जाता है डाइकोट्स में, और मोनोपोड्स में क्या पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स पर। लीव्स दो टाइप की होती है, एक तो सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ वो होती है जो स्टेम से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है,
और सिंपल लीफ की एक विशेषता ये होती है कि इनकी जो इंसिजन यानी कि मार्जिन पर जो कट्स होते हैं वो मिड रिब तक नहीं पहुंचे होते। जैसे अगर हम ये पत्ती बनाएं तो इसके जो ये कट्स यानी कि मार्जिन हैं ये इसके मिड रिब ये है यहाँ तक नहीं पहुंचते, तो ये एक सिंपल लीफ है। लेकिन अगर ये यहाँ तक पहुंचते है ना, ये कट्स यहाँ तक पहुंचते तो ये जो लीफ है ये किस में डिवाइड हो जाती, छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती। उस कंडीशन में हम क्या कहते कि ये कैसी लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है। तो कंपाउंड लीफ वो होती है जिसके मार्जिन जो होते हैं वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो उसके मिडरिब तक पहुँच जाते हैं और छोटी छोटी लीफलेट्स बन जाती हैं। इसके एग्जांपल देखो, कंपाउंड लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया ए और बी में। यहाँ पर जो मार्जिन हैं वो मिडरिब तक पहुँच गए हैं, इसलिए हमें जो वास्तव में दिख रही है ये सब क्या है, लीफ ना होकर लीफलेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद व्हेन द इंसिजंस ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। अब सिंपल लीफ वो होती है जिसमें कि ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है स्टेम से। और जबकि इसके केस में क्या होता है कि ये जो लीफलेट्स होती हैं ये बीच के जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं उस स्ट्रक्चर को यानी इस लाइन को कहते हैं ब्रैकेट। लीफलेट्स कनेक्ट होती हैं ब्रैकेट से, RACHIS। और जबकि लीव्स जो सिंपल वाली लीव्स हैं वो किससे कनेक्ट होती है, वो स्टेम से कनेक्ट होती है। अब बट इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ पीटीओल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव बट नॉट इन द एक्सेल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीव। तो इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड लीव को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि उनके जो लीफलेट्स होते हैं उनके एक्सेल में हमें बर्ड नहीं मिलेगी, जबकि अगर वो एक प्रॉपर लीफ होगी यानी कि सिंपल लीफ या फिर कंपाउंड लीफ जहाँ पर जुड़ी हुई है स्टेम से वहाँ पर प्रेजेंट होगा एक्सेल में उसके एक्सेलरी बर्ड। कंपाउंड लीफ दो तरह की बताइए, एक तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ वो है जिनमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है ना। पिन्नेटली को पिन्नेटली इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे पिन्ना हमारे दोनों साइड हैं, एक पिन्ना ये एक्सटर्नल ईयर को पिन्ना कहते हैं, उसी तरह का अरेंजमेंट लीफ का यहाँ पर है इस रैकिस के अलाउंड कि एक लीफलेट इधर है, एक लीफलेट इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ होती है जिसमें कि जितनी भी लीफलेट्स हैं वो सब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं इस तरह से, कहते हैं पामेट्री को पामेट्री इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज पाम लाइक। पाम का मतलब होता है हथेली, जैसे हथेली में सारी उंगलियां एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, है ना, एक ही हथेली से सारी उंगलियां जुड़ी हुई हैं, तो उसी तरह से हम क्या कहेंगे कि पामेट्री कंपाउंड लीफ होती है। इसमें एग्जाम्पल जो है वो याद रखने, जैसे कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल दिया है नीम और पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल दिया है सिल्क कॉटन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब होता है स्टेम के ऊपर लीव्स के अरेंजमेंट को फिलोटैक्सी कहा जाता है। अब अरेंजमेंट लीव्स का किस तरह से होगा, जैसे सपोज करो कि ये स्टेम है, इस स्टेम में लीव्स इस तरह से हैं कि एक के सामने दूसरी लीव है, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं ऑपोजिट। दूसरा अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि एक लीव इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस अरेंजमेंट को कहते हैं ऑल्टरनेट। एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि जिसमें लीव्स जो होती हैं वो होल्ड होती हैं, होल्ड का मतलब एक ऐसे, अगली ऐसे, उसके अगली पीछे, फिर अगली ऐसे, फिर अगली ऐसे, फिर उसके पीछे, यानी कि वो गोल गोल घूम के उस एक्सिस के चारों तरफ लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे ये इधर, फिर अगली इधर, फिर अगली इधर, तो वो गोलाकार में चारों तरफ उसके लगी हुई होती है, उसे होल्ड कहते हैं।
एग्जांपल्स देखो बुक में दिए हुए हैं। अल्टरनेट का एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ऑपोजिट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस और गुआवा। और होल्ड का एग्जांपल है एल्स्टोनिया। इस चैप्टर में जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखने सभी को। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है मॉडिफिकेशंस क्या है। लीफ जो होती हैं वो अपनी नॉर्मल फंक्शंस के अलावा कौन सी फंक्शंस करती हैं, उन एग्जांपल्स को खास तौर पर देखना है। जैसे सबसे पहला जो है इसका एग्जांपल दिया है वो है टेंड्रिल्स का और स्पाइंस का। अगर लीफ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जो कमजोर तने को यानी कि वीक स्टेम को सपोर्ट देने का काम करे, और किसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो उनके आसपास पाए जाते हैं उससे वो लिपट जाए, तो उस स्ट्रक्चर को टेंड्रिल्स कहा जाता है, लीफ के टेंड्रिल, है ना। लीफ के टेंड्रिल का जो डायग्राम है वो 5.10 के ए में दिया गया है। और अगर तुम्हें होल्ड फिलोटैक्सी को समझना है तो फिगर 5.9 के सी में दिखाया कि होल्ड फिलोटैक्सी कैसी होती है। अब कुछ लीव्स ऐसी होती हैं, टेंड्रिल्स का एग्जांपल देखो पी दिया है, पी यानी कि मटर। और स्पाइंस जो होते हैं यानी कि अगर कांटों में बदल जाएं पत्तियाँ प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका एग्जांपल दिया इन्होंने कैक्टस, उसको कैक्टाई लिखा हुआ है। अब बात आती है अगली मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल्स और स्पाइंस के बाद बात आती है फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव, फ्लैशी लीव्स का मतलब होता है ऐसी लीव जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है, फूड मटेरियल। और फूड मटेरियल को स्टोर करने वाले एग्जांपल्स हैं अनियन, ठीक है। देखो अनियन का डायग्राम दिया है इन्होंने स्टोरेज करता हुआ। और ये जो हमें हम प्याज के अंदर की चीज़ खाते हैं वो असल में क्या है, पत्तियां हैं जो जिनमें इतना स्टोर हो गया कि वो हो गई ठीक यानी कि मोटी। इसके बाद इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेटिया लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव, पीटियोल्स इन दीज प्लांट्स एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। यानी कि वहाँ लीव का काम कौन कर रहा है, पीटियोल, क्योंकि लीव्स तो थोड़े समय के बाद गिर जाती हैं, है ना। अब वो जो पीटीओल है जो कि बड़ा है और फोटोसिंथेटिक है वो फंक्शन कर रहा है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। तो उसके केस में क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के केस में पीटीओल लीव की फंक्शन कर रहा है। फिर अगला एग्जाम्पल इन्होंने दिया पिचर प्लांट का, जिसमें इंसेक्टिवोरस फंक्शन लीव करती, यानी कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का और उसको डाइजेस्ट करने का फंक्शन करती हैं लीव। तो इसके बाद आज ये लीव का डिस्कशन था। इसके बाद कल जो डिस्कशन होगा वो होगा इन्फ्लोरेसेंस का, इन्फ्लोरेसेंस का और फ्लावर का। उससे पहले एक बात बताइए, देखो इन्होंने अभी अभी कहा था कि लीव जो होती हैं वो एक्रोपीटली अरेंज होती हैं। एक्रोपीटली अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि लीव्स का जो सबसे नीचे से ऊपर की तरफ अगर ग्रो करे, नीचे से ऊपर की तरफ अगर ग्रो करे तो उसे एक्रोपीटल अरेंजमेंट या एक्रोपीटल ग्रोथ कहा जाता है। यानी कि लीव जो सबसे यंग वाली होती है वो पहले सबसे नीचे आती है, फिर वो सबसे यंग वाली जो है वो ग्रो करते करते ऊपर पहुंच जाती है, और नीचे की तरफ फिर कौन सी रह जाती है, नीचे की तरफ रह जाती है मैच्योर वाली, है ना। जो यंग वाली थी वो ऊपर पहुंच जाती है। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है उस जिसमें कि सबसे यंग वाला सबसे ऊपर होता है और सबसे ओल्ड वाला पार्ट जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्रोपीटल ग्रोथ या एक्रोपीटल अरेंजमेंट। चलो ये इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर हम करेंगे।